हेलो एवरीवन, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इन्फ्लेशन के चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था कि इसमें हम कैसे पढ़ाई करेंगे, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, इसमें इम्प्लीमेंटेड ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी व्यवहारिक क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम पहला जो कंटेंट स्टार्ट करेंगे वो है मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ये जानना होगा कि इन्फ्लेशन की स्थिति कैसे बनती है, किस स्थिति को हम इन्फ्लेशन की कैटेगरी में रखते हैं। जब किसी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा हो जाए, यानी कि मांग ज्यादा हो जाए और उसी के रिस्पेक्ट में सप्लाई ना हो, यानी कि अगर 100 चीज की डिमांड हो रही है लेकिन 10 ही चीज की क्या है, आपूर्ति हो रही है, सप्लाई है 10 ही चीज की, तो उस स्थिति में प्राइस हमेशा राइज होंगे, प्राइस हमेशा बढ़ेंगे, यानी वस्तुओं की कीमतें हमेशा क्या होंगी, पहले की तुलना में बढ़ेंगी। और अगर ये प्राइस राइज बना रहे, यानी कि ये जो वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि है वो लगातार कांस्टेंट बनी रहे, तो इस स्थिति में क्या होगा, आपकी जो इनकम है यानी परचेजिंग पावर ऑफ मनी, और मनी मतलब आपकी जो इनकम है जो आपने अर्न की है, इनकम की परचेजिंग पावर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो इस स्थिति को ही हम क्या कहेंगे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, यानी कि महंगाई है या मुद्रास्फीति है। फिर से इस बात को समझ लेते हैं कि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होना महंगाई है, लेकिन अगर इसे अच्छे तरीके से देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि अगर इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा हो जाए और उसके रिस्पेक्ट में सप्लाई नहीं हो रही है, उस स्थिति में जब वस्तुओं के मूल्यों में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है और ये वृद्धि लगातार बनी रहती है, तो इस स्थिति में इम्पैक्ट जो पड़ता है वो हमारी इनकम पे पड़ता है, इनकम की क्रय क्षमता क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन की स्थिति में हमें सबसे जो निगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो इनकम है उसकी खरीदने की क्षमता कम होती जा रही है। यहाँ परचेजिंग पावर का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये में 10 किलो आती है, लेकिन अगर उस चीज़ के प्राइस बढ़ जाए तो अगर 5 ही किलो आ रही है उस 100 रुपये में, तो हम क्या कहेंगे कि 100 रुपए की क्रय क्षमता जो 10 किलो खरीदने की थी वो घट गई है। और ये घटी कैसे, क्योंकि उन चीजों के दाम बढ़ गए। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे कि इन्फ्लेशन है। तो सामान्य भाषा में डिमांड के बढ़ने और सप्लाई के उस रिस्पेक्ट में ना बढ़ने की वजह से जब चीजों के दाम बढ़ जाएं तो उस बढ़े हुए दाम से हमारे मुद्रा की या हमारी आय की क्रय क्षमता, खरीदने की ताकत जो है वो कम हो जाती है, उसको हम परचेजिंग पावर ऑफ मनी कहते हैं, वो कम हो जाती है, तो उसी स्थिति को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहां पर हमने मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन देख लिया। आगे अब हमें यह देखना है कि इन्फ्लेशन है, ठीक है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है। ठीक, यहां पर हमने मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रीजन बिहाइंड इन्फ्लेशन का, यानी मुद्रास्फीति होने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार है। मैंने यहाँ पर 4 कारण लिखे हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, लैक ऑफ सप्लाई और ग्लोबल रीजन। हम एक एक करके उन कारणों की चर्चा करने जा रहे हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। सबसे पहला कारण यहाँ पर लिखा हुआ है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन ये हमारा जो पहला कारण था इन्फ्लेशन होने का, उसको हमने सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो क्लियर कर लेते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस स्थिति को कहते हैं। डिमांड पुल, नाम से ये लग रहा है कि डिमांड के पुल होने से जो इन्फ्लेशन आए उसी को ही हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। सामान्य भाषा में इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर वस्तुओं की कीमत इसलिए तेजी से बढ़ रही है कि लोग उसकी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और ज़्यादा डिमांड करने की वजह से डिमांड और सप्लाई
महंगाई के बीच में गैप आ रहा है और इस गैप की वजह से चीज़ों के दाम या वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। तो इस स्थिति को हम कहेंगे कि डिमांड के पुल होने की वजह से प्राइस राइज हुआ। तो ऐसी स्थिति को ही हम कहते हैं मांग से प्रेरित स्थिति, या अंग्रेजी में कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी सामान्य भाषा में डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने का प्रमुख कारण उस वस्तु की तेजी से बढ़ती हुई मांग है तो उस स्थिति को ही हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ तो हमें समझ में आ गया कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है। अब हमें देखना है कि रीजन, यहाँ पर हमने मीनिंग ऑफ डिमांड पुल देख लिया, अब देखते हैं कि आखिर कौन से कारण हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। हमें ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इकोनॉमी में कौन लोग हैं जो तेजी से डिमांड को बढ़ा रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पर लिखा है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अगर किसी इकोनॉमी में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार बहुत तेजी से है, या दशकीय वृद्धि दर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है या डेकेड ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इट मींस कि वहाँ पर जनसंख्या अगर तेजी से बढ़ रही है तो वो तेजी से डिमांड भी कर रही है। तो जब तेजी से डिमांड हो रही है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में सप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि डिमांड आप करेंगे लेकिन सप्लाई करने के लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कि वो पहले प्रोड्यूस होगा, फिर वो मंडियों तक पहुंचेगा, फिर होलसेलर तक पहुंचेगा, फिर रिटेलर तक पहुंचेगा और फिर कहीं जाके कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में मींस डिमांड रातों रात की जा सकती है लेकिन रातों रात सप्लाई नहीं की जा सकती। तो पहला कारण इकोनॉमी में डिमांड क्यों हो रही है बहुत तेजी से, तो पहला कारण है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यानी कि इकोनॉमी में अगर तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है तो ये बढ़ी हुई जनसंख्या तेजी से डिमांड करेगी और तेजी से डिमांड करने की वजह से डिमांड और सप्लाई में गैप आ जाएगा और ये अंतर चीजों के दाम या वस्तुओं के दामों को बढ़ा देगा। तो इस बार हम कहेंगे कि ये जो दामों में वृद्धि हुई है वो डिमांड के बढ़ने की वजह से हुई है। और ये डिमांड क्यों बढ़ी है, क्योंकि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है। तो पहला रीजन हो गया डिमांड बढ़ने का, पॉपुलेशन का तेजी से बढ़ना। दूसरा रीजन देखते हैं, डिक्रीजिंग बैंक इंटरेस्ट रेट। डिक्रीजिंग बैंक इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है यदि सरकार अपने बैंकों को ये हिदायत दे, यानी आरबीआई ये कहे कि आपको अपने ब्याज की दरों को कम करना है। यानी कि एग्जांपल से समझिए, अगर होम लोन 10% एनुअल रेट पे मिल रहा है, अगर सरकार, अगर बैंक कहता है कि हम 10% में नहीं, अब हम आपको 5-6% पर जो है होम लोन देंगे, यानी आपसे ब्याज पहले की तुलना में अगर हम कम कर लें, यानी कि डिक्रीज कर दें बैंक का इंटरेस्ट रेट, तो कहीं ना कहीं आम जनता तेजी से ऋण लेने के लिए प्रेरित होगी, ज्यादा तेजी से बैंकों तक पहुंचकर वहां से ऋण लेगी। ऋण लेने का मतलब है उसके हाथ में कैश आएगा, नगदी आएगी, इकोनॉमिकल लैंग्वेज में उसे लिक्विडिटी कहते हैं। ये लिक्विडिटी जो उसके हाथ में ऋण के रूप में आई है, इसको कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक्स्ट्रा डिमांड के लिए वो क्रिएट करेगी, यानी वो लिक्विडिटी कहीं ना कहीं मार्केट में डिमांड को बढ़ा देगी। तो फिर अगेन यहां पर रीजन क्या हुआ कि इस इंटरेस्ट रेट को डाउन करने की वजह से जो लोगों ने तरलता बैंकों से ली, ऋण के रूप में जो नकदी ली, उसको वो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करने के लिए खर्च करेंगे और अगेन उस स्थिति में क्या होगा कि डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप बढ़ेगा और चीजों के दाम या प्राइस राइज होगा, वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। तो इस बार यानी ये भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ कि बैंक इंटरेस्ट रेट अगर डाउन करता है तो इससे भी अर्थव्यवस्था में नकदी पहुंचती है और ये नकदी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट करती है और एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट होने की वजह से डिमांड और सप्लाई में गैप आ जाता है और ये गैप प्राइस राइज क्रिएट कर देता है और ये प्राइस राइज होना ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन के टॉपिक में आखिर डिमांड बढ़ने के पीछे हमने दो कारण बताए, तेजी से बढ़ती जनसंख्या और दूसरा अगर बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दें। अब नेक्स्ट आते हैं लिबरल डायरेक्ट टैक्सेस। लिबरल डायरेक्ट टैक्स, अगर सरकार अपनी नीतियों में इस तरीके का प्रावधान करती है कि इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसमें वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देती है। लाइक अगर पिछले साल के अगर हम बजट में देखें कि पहले हमें 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना था, आज हमें 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिबरल होती जा रही है।
यानी अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में थी तब हमें 5% का टैक्स देना देना होता था। तो यानी हमारी इनकम का कुछ हिस्सा सरकार के पास टैक्स के रूप में चला जाता था। लेकिन अगर सरकार ये कह दे कि आप में से किसी को भी 5 लाख तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना है, तो वो जो टैक्स का पैसा हम सरकार को देते थे वो अब हमारे पास में ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लिबरल टैक्स पॉलिसी होती है, डायरेक्ट टैक्स में जो सरकार लिबर्टी बरतती है, आपको आपको बोलती है कि हम टैक्स की स्लैब को और बढ़ा रहे हैं कि अब 2.5 लाख वाले लोग नहीं बल्कि 5 लाख वालों को कोई टैक्स नहीं देना है, तो इस स्थिति में क्या होगा, जिनकी इनकम टैक्स के रूप में सरकार के पास चली जाती थी अब वो इनकम उनके पास ही बचेगी और ये उनकी जो इनकम है वो कहीं ना कहीं उन्हें एक्स्ट्रा डिमांड करने के लिए प्रेरित करेगी। तो इस सिचुएशन में भी लिबरल टैक्स पॉलिसी के कंसेप्ट में भी लोगों के हाथ में तरलता आएगी यानी लिक्विडिटी आएगी और ये एक्स्ट्रा लिक्विडिटी उन्हें एक्स्ट्रा डिमांड करने के लिए प्रेरित करेगी और इस स्थिति में अगेन डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप आएगा और प्राइस राइज होगा। तो यहाँ पर ये भी एक कारण है कि डिमांड बढ़ने का। तो यहाँ हमने तीन कारण देख लिए, पहला पॉपुलेशन बढ़ना, दूसरा डिक्रीजिंग बैंक इंटरेस्ट रेट और तीसरा हमने देखा लिबरल डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीजिंग ब्लैक मनी फ्लो, ये नेक्स्ट कारण है कि अगर इकोनॉमी में काले धन का प्रवाह तेजी से बढ़ जाता है, तो ये काला धन का प्रवाह अगर तेजी से बढ़ रहा है यानी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है और ये एक्स्ट्रा लिक्विडिटी कहीं ना कहीं क्या करेगी, एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट करके रखेगी और अगेन डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप आएगा और ये गैप ही क्या करेगा, प्राइस को बढ़ा देगा। इसे एक एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं कि अगर इकोनॉमी में जितना ब्लैक मनी ज़्यादा होगा तो ये ब्लैक मनी कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि ये ब्लैक मनी की खपत ज्यादातर रियल एस्टेट में करा जाता है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। इस वजह से हमारे देश में घरों के प्राइस बहुत हाई रहते हैं। आपने सुना होगा कि जब सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया था तो वो इस तरीके का सेंटेंस बोल रही थी कि जब काला धन इकोनॉमी से हट जाएगा तो ये जो रियल एस्टेट है यानी मकान है जो लोग खरीदना चाहते हैं, तो क्योंकि ब्लैक मनी की वजह से उसकी डिमांड ज्यादा रहती थी और घरों के दाम बढ़े रहते थे, अब हम डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं और डीमोनेटाइजेशन की स्थिति में लोगों की जो ब्लैक मनी है वो खराब हो जाएगी, ब्लैक मनी इकोनॉमी में नहीं आ पाएगी और इस तरीके से जो रियल एस्टेट की डिमांड है वो धीरे धीरे कम होगी और इस तरीके से जब रियल एस्टेट की डिमांड कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो जो आम आदमी है जो ईमानदारी से अपना टैक्स दे रहा था उसका जो घर खरीदने का सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि अगर इकोनॉमी में बहुत तेजी से ब्लैक मनी का फ्लो बनता है तो वो तेजी से डिमांड को बढ़ाती है, स्पेशली उन चीजों की डिमांड बढ़ाती है जो लग्जरी आइटम है, लाइक जैसे मैंने बताया कि ब्लैक मनी का खर्चा उसको तेजी से कंज्यूम करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन इन तरीकों की वजह से आम व्यक्ति के लिए घर खरीदने का सपना सपना ही रह जाता है। तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर सरकार यही बात कह रही थी कि हमने आज ईमानदार व्यक्तियों को उनके घर खरीदने का सपना उनका जो था वो पूरा कर दिया। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग ब्लैक मनी फ्लो की वजह से भी इकोनॉमी में डिमांड तेजी से बढ़ती है। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है कि डिमांड बढ़ने का एक और कारण है डेफिसिट फाइनेंसिंग। पहले डेफिसिट फाइनेंसिंग को समझेंगे, आफ्टर दैट देखेंगे कि ये डेफिसिट फाइनेंसिंग की स्थिति इन्फ्लेशन को कैसे बढ़ाती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कैसे बढ़ाती है। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग, पहले समझ लेते हैं डेफिसिट क्या होता है, घाटा क्या होता है। घाटा उस स्थिति को कहते हैं जब सरकार की इनकम के सोर्स कम हो और उसको एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना हो, यानी आय के साधन कम हो और वह उसे ज़्यादा करना है, तो इस स्थिति में वो सरकार को घाटे होते हैं। यानी आय कम है, आमदनी 10 रुपये की और खर्चा 100 रुपये का है, तो ये जो 90 रुपये जो हमें पास कमी आ रही है वही हमारे लिए घाटा होगा। अब ये हो गया घाटा और फिनेंसिंग का मतलब होता है कि उस घाटे को कहीं से अरेंज किया जाए, यानी वो जो 90 रुपये की कमी आई थी, वो जो 90 रुपये हमें एक्सपेंडिचर करने हैं बट हमारे पास है नहीं है, तो उस टाइम पर हम क्या करने की कोशिश करेंगे, कहीं से उसको पैसे का अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये अरेंजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे RBI से नई मुद्रा छपवा के, नई नोट को प्रिंट करवा के। तो जब RBI से हम नए नोट प्रिंट करवाएंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी,
पड़ेगी। ये पूरा प्रोसेस होता है कि आपको 200 करोड़ रुपए की धनराशि आरबीआई के पास मेंटेन करनी होती है, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड होता है और रेस्ट 85 करोड़ की फॉरेक्स करेंसी होती है, तभी सरकार नई मुद्रा को छपवा सकती है। तो इस आधार पे हम बात करते हैं कि अगर सरकार के पास पैसे की कमी हो रही है, यानी उसके पास डेफिसिट है, तो वो आरबीआई से नए नोट की प्रिंटिंग करवाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम डेफिसिट का फाइनेंस कहते हैं, यानी घाटा था और फाइनेंस मतलब कहीं से हमने उसका अरेंजमेंट कर लिया। और कहाँ से किया है, क्योंकि सरकार का बैंक का नाम आरबीआई है, तो वो अपने बैंक से उस पैसे का अरेंजमेंट करने गई और उसने नई नोट उससे प्रिंट करवाई। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि डेफिसिट का फाइनेंस हो गया। तो ये तो हो गया डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब इसका इन्फ्लेशन से क्या लेना देना है ये समझ लेते हैं। इस स्थिति में क्या होगा कि जब सरकार ने नई मुद्रा प्रिंट करवाई, तो ये मुद्रा को सरकार कहीं ना कहीं इकोनॉमी में विभिन्न माध्यमों से इकोनॉमी में प्रयोग करेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम मातृवंदन योजना के लिए पैसा दे रहे हैं, या मान लीजिए हम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दे रहे हैं पैसा, या फिर हम और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वो तरलता जो हमने नई प्रिंट करवाई है वो हम कहीं ना कहीं अपने पास नहीं रखेगी सरकार, बल्कि इकोनॉमी में इसको कहीं ना कहीं यूज करने के लिए देगी। तो ये जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है वो इकोनॉमी में जब पहुंचती है तो ये एक्स्ट्रा डिमांड भी क्रिएट करेगी। यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग में जो लिक्विडिटी एक्स्ट्रा आई है वो इकोनॉमी में जाएगी, और ये एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जब इकोनॉमी में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पहुंचती है तो कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा लिक्विडिटी एक्स्ट्रा डिमांड को भी क्रिएट करती है। तो अगेन फिर से वही प्रोसेस की लिक्विडिटी जब एक्स्ट्रा आएगी तो एक्स्ट्रा डिमांड होगी, अगेन डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप आएगा, और ये डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप आने की वजह से प्राइस राइज होगा। तो इस प्रकार से डेफिसिट फाइनेंसिंग भी एक तरीका है, एक माध्यम है, जिसकी वजह से डिमांड इकोनॉमी में तेजी से बढ़ती है। तो अगर आप इस पूरे स्लाइड को अगर देखें तो हमने सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन क्लियर कराया। हमने कहा जब इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा हो और उसके रिस्पेक्ट में सप्लाई ना हो तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, यानी वस्तुओं की कीमतें पहले की तुलना में बढ़ जाती हैं, और ये बढ़ी हुई कीमतें लगातार बनी रहें तो इससे हमारी आय की क्रय क्षमता, खरीदने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब आय की खरीदने की क्षमता कम हो जाए पहले की तुलना में तो हमें फीलिंग आ जाती है कि यही महंगाई है या वो स्थिति ही इन्फ्लेशन की कहलाती है। फिर मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन होने के चार कारण हैं। पहला कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, नेक्स्ट लैक ऑफ सप्लाई और ग्लोबल रीजन। मैंने यहाँ इस वीडियो में पहला कारण आपके साथ डिस्कस किया जिसका नाम था डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि का प्रमुख कारण उसकी बढ़ती हुई मांग हो तो उस स्थिति को ही हम कहेंगे डिमांड से पुल हुई इन्फ्लेशन। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इकोनॉमी में डिमांड क्यों बढ़ रही है, तो मैंने यहाँ पर इसके कारण बताए, रीजन क्या है डिमांड तेजी से बढ़ने का। तो सबसे पहले पॉपुलेशन का बढ़ना, दूसरा अगर बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को लो कर दे तो भी डिमांड बढ़ेगी। फिर हमने बताया कि अगर लिबरल टैक्स पॉलिसी गवर्नमेंट अपनाती है तो भी उस स्थिति में डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ब्लैक मनी का फ्लो, अगर इकोनॉमी में काले धन का प्रवाह तेजी से है तो ये भी स्थिति कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट करेगी। और लास्ट, हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में भी बताया कि डेफिसिट फाइनेंसिंग वो स्थिति होती है जब आय कम होती है और व्यय ज़्यादा होता है, तो तब बजट में, सरकार के बजट में घाटा आता है और इस घाटे की पूर्ति के लिए वो आरबीआई से नए नोट को प्रिंट करवाती है। तो इस तरीके से अपने डेफिसिट की फाइनेंसिंग करती है, और ये डेफिसिट फाइनेंसिंग की स्थिति में जब सरकार के पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आती है तो इस पैसे का प्रयोग वो इकोनॉमी में विभिन्न योजनाओं पर व्यय के माध्यम से इकोनॉमी में डालती है, और इस तरीके से इकोनॉमी में वो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी पहुंच जाती है, और ये एक्स्ट्रा लिक्विडिटी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट करती है। तो कहीं ना कहीं डेफिसिट फाइनेंसिंग भी इकोनॉमी में डिमांड को पुल करने का एक प्रमुख कारण है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हमने यहाँ पर इन्फ्लेशन और रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन का डिमांड पुल इन्फ्लेशन कवर करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अन्य कारण के बारे में बताएंगे कि और कौन से कारण हैं जो इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार हैं, लाइक कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, लाइक लैक ऑफ सप्लाई और ग्लोबल रीज़न। इस वीडियो में यहीं तक। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।